हेलो स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर नंबर 2 मैप स्केल। हम मैप स्केल की बात कर रहे थे। यहाँ पर देखिए दो सिस्टम दिखा रहे हैं मेजरमेंट के, एक मेट्रिक सिस्टम है, दूसरा इंग्लिश सिस्टम है। इंडिया में 1957 तक यहाँ पर इंग्लिश सिस्टम चलता था। यूके, ब्रिटेन, ये जो कंट्रीज हैं, यूएसए हम बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश सिस्टम चलता है। तो इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर 1957 से पहले क्या था, इंग्लिश सिस्टम था, ठीक है। और अभी अभी जो मेट्रिक सिस्टम चल रहा है वो उसको बोलते हैं मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम में किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर होते हैं, और इंग्लिश सिस्टम के अंदर इसमें इंच होते हैं, इसमें फिट यूज करते हैं, यार्ड्स है, या फिर फरलोंग यूज करते हैं, समझ गए। इसके टेबल दिखा रहे कि आप टेबल में इसमें देख रहे हो उसका 1 किलोमीटर इक्वल। आप इसको जैसे याद करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, इसमें नीचे से आप याद कीजिए। जैसे इसमें बात करते हैं मेट्रिक सिस्टम, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर इक्वल क्या होते हैं, 100 मीटर होते हैं, या फिर 1 लाख सेंटीमीटर या 10 लाख मिलीमीटर। आपको जैसे आपको याद करना चाहो वैसे कर सकते हो। हम वैसे तो इसको मल्टीप्लाई करके आप खुद तैयार कर सकते हो। दूसरा इंग्लिश सिस्टम में देखें तो 1 फुट इक्वल 12 इंचेज होते हैं, 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं या 36 इंच होते हैं। मल्टीप्लाई किया सिंपल साइज में, 1 फरलोंग तो 1 फरलोंग में देखिए 22 यार्ड्स होते हैं, या इसमें 660 फीट होते हैं, और इंचेज की हम बात करें तो 7920 इंचेज होते हैं। मील की बात करते हैं तो 1 मील इक्वल 8 फरलोंग होते हैं, समझ गए। और यदि हम यार्ड्स की बात करें तो 1760 यार्ड्स होते हैं, फिट की बात करें तो 5280 फिट होते हैं, और यदि इंचोज में बात करते हैं तो इंच 63,360 इंच होते हैं। तो हम एक दूसरे का कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि 1 मील में 63,360 इंच होते हैं, इसके अलावा इसमें 8 फरलोंग होते हैं। तो जैसे हमें यूज़ करना वैसे हम इसको कर सकते हैं, ओके। देखिए आगे देखिए, अब जो मैप पर हम स्केल रिप्रेजेंट करते हैं, जो ड्रॉ करते हैं, उसके अलग अलग 3 मेथड्स हैं। एक स्टेटमेंट ऑफ स्केल होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन है, थर्ड ग्राफिकल स्केल है, ओके। चलो वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहले देखिए स्टेटमेंट ऑफ स्केल। स्टेटमेंट ऑफ स्केल में क्या होता है, डायरेक्ट लिखा जाता है। जैसे इसमें लिख रखा 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 10 किलोमीटर, 1 इंच रिप्रेजेंट 10 माइल्स, सिंपल सा है। तो इसमें कोई भी देख के बता सकता है कि इसमें स्केल क्या है इसका। तो इसमें डायरेक्टली क्या लिखा, इसमें लिखा जाता है जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 किलोमीटर ऐसे। तो हम इस कैलकुलेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मैप में जितने भी आइटम हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो उनके डिस्टेंस यदि 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है 10 किलोमीटर ग्राउंड की डिस्टेंस है, ठीक है। और उसी प्रपोर्शन में पूरा जो मेजरमेंट है वो कर सकते हैं। इसमें सिंपल है, ये सबसे सिंपल है इनमें से तीनों में से। सेकेंड हम बात करते हैं ग्राफिकल या बार स्केल। देखिए इसमें क्या होता है, ग्राफ बनता है। देखिए हम देख सकते हो ये पूरा एक ग्राफ बना रखा है इसके अंदर, और इसमें 2 यूनिट को साथ दिखाते हैं। जैसे इधर देखिए आप किलोमीटर, और यहाँ के दिखा रखा है मीटर दिखा रखा है। तो इसकी जो प्राइमरी यूनिट होती है वहाँ पर हम लाइन ग्राफ में क्या दिखाते हैं, किलोमीटर, इधर मीटर, यदि हम मेट्रिक सिस्टम यूज करते हैं। और यदि आप इंग्लिश सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर क्या दिखाओगे, माइल्स दिखाओगे, और माइल्स से छोटी इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, फरलोंग होती है। तो इस साइड में आप क्या दिखाओगे, फरलोंग दिखाओगे, समझ गए। तो हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब देखिए कैलकुलेशन का हो क्या इसका प्रोसेस है। द सेकेंड टाइप ऑफ स्केल सो मैप डिस्टेंस टू द कॉरस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस यूजिंग ए लाइन बार विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिविजन्स मार्क ऑन इट। दिस इज रेफर्ड टू एज इन ग्राफिकल स्केल और बार स्केल। ऊपर देखो आरएफ दिखा रखे, आरएफ क्या दिया देखिए, 1:50,000 है, ठीक है। दूसरा नीचे देखिए आप, इसमें लिखा है किलोमीटर और मीटर, तो इसका मतलब क्या है, ये मेट्रिक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर है वो 50,000 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है,
मतलब सीधा सा है, आपको पता है 1 किलोमीटर इक्वल 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो 50,000 सेंटीमीटर कितना होगा, हाफ किलोमीटर होगा। ओके, तो अब आप देख सकते हो 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर वो 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, अपनी मर्ज़ी से कोई भी लाइन बनाते हैं ऐसे, ऐसे जो बनाए थे ना ऐसे हमने लाइन खींचा अपनी मर्ज़ी से। ओके, और उसके अंदर क्या है, आप 2 सेंटीमीटर देखिए, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर है, वन पार्ट को छोड़ करके, देखिए ये है ना, इस पार्ट को छोड़ दिया, यहाँ पर लगाते हैं 0, उसके आगे, क्योंकि देखिए स्केल क्या है, 1:50 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल 50,000 सेंटीमीटर, तो मतलब कंप्लीट किलोमीटर नहीं हुआ, तो 2 सेंटीमीटर में क्या बनेगा, 1 किलोमीटर बनेगा, ठीक है। तो ये 2 2 सेंटीमीटर का, तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ओके, इस साइड में हम बात करते हैं, तो इस साइड के अंदर आपको पूरा किलोमीटर दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके मीटर बनाएंगे। तो मीटर में देखिए, इसका हाफ पार्ट 500 मीटर होंगे, और यहाँ पर क्या 1,000 मीटर होंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल क्या होता है, 1 किलोमीटर इक्वल 1,000 मीटर होते हैं। ओके, तो ये क्या यूनिट दो बन गई ना, एक तरफ किलोमीटर, दूसरा तरफ मीटर, और इसमें देखिए साथ में आरबी लिखा होता है, तो इस प्रकार की स्केल को हम क्या बोलते हैं, बार स्केल बोलते हैं। और तो सारी डिजाइन की गई और कुछ नहीं, मैं इसको सिंपल सा डिज़ाइन बना के दिखाऊँ आपको, सेम ऐसे ही कैसे बनाते हैं, जैसे ये लाइन खींचा हमने, अपनी मर्जी से कितना खींच सकते हो, बस आपको तो इतना ध्यान रखना है कि इस आरएफ के अकॉर्डिंग जो 1 सेंटीमीटर हो, 50,000 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। हमने जैसे इसको 2 2 सेंटीमीटर से किया, क्योंकि 2 सेंटीमीटर से ही 1 किलोमीटर बन रहा है ना, यदि यहाँ पर 1:1 लाख सेंटीमीटर होता तो क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 किलोमीटर होता, तब देखिए ये 0 हुआ, यहाँ पर 1 किलोमीटर, यहाँ 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, इसके हाफ पार्ट कर दिए 500, और यहाँ पर 1,000 मीटर हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये तो पूरा डिजाइन किया गया, इसको दूसरा स्केल, ये पैरल लाइन बना दिया, इसको आपने इसको मिला दिया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इससे इससे, फिर एक बीच में इसकी बार लाइन निकाल दी एकदम से बीच में सेंटर लाइन ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, इसको डार्क कर दो इस पार्ट को, फिर इसको हमने डार्क कर दिया, इसको हमने डार्क कर दिया, इसको भी डार्क कर दिया, इसको भी, ये पूरा कंप्लीट डार्क कर दिया ऐसे, ठीक है। तो ये क्या बन गई, स्केल बन गई, हमने इसमें लिख रखा है, जैसे आप नीचे लिखो या ऊपर लिखो एक ही बात है, जैसे 0, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, यहाँ पर मीटर में लिखना आपको, सब डिवीजन किया है, तो ये 1,000 मीटर हो गया। ऊपर आप इसका आरएफ लिख दीजिए, जो आरएफ है 1:50,000, ठीक है। ये क्या बन गई आपकी, ग्राफिकल स्केल बन गई, सिंपल सा है। ओके, तीसरा क्या है देखिए, ये रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन आरएफ बोलते हैं। ये जो स्केल है ना, इसमें क्या होता है, कोई यूनिट नहीं दे रखी है, जैसे इसमें ऊपर दिखा रखा ना बार स्केल में, किलोमीटर मीटर दिखा रखा, तो इसमें तो देखते पता कर चला गया कि यह कौन सा है, मेट्रिक सिस्टम है। लेकिन आरएफ में क्या होता है, आरएफ में कोई किसी प्रकार का यूनिट नहीं दिया होता है, केवल डिजिट दिए होते हैं, रेशियो में दिखाया जाता है। इसको इंटरनेशनल स्केल बोलते हैं, ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस यही है, क्योंकि कहीं पर भी जैसे इंडिया में हम बात करें मेट्रिक सिस्टम यूज़ करते हैं, इंग्लैंड या हम बात करें यूएसए की बात करें, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इंग्लिश सिस्टम। तो यदि एक ही मैप अलग अलग कंट्री में अलग अलग वे से पढ़ा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यदि आप किलोमीटर या मीटर में मेट्रिक सिस्टम में बनाई हुई स्केल है तो क्या होगा, जिन लोगों को मेट्रिक सिस्टम का पता नहीं है वो लोग इसको रीड नहीं कर सकते। ओके, तो और यदि आरएफ का पता, आरएफ में बनाया हमने वो स्केल से ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपसे इसको मेट्रिक सिस्टम से देख रहे हो या फिर आप इसको इंग्लिश सिस्टम, क्योंकि इसमें क्या होता है, रेशियो होता है, प्रपोर्शन होता है, आप देख सकते हो ये। अब देखिए ये जो रेशियो दे रखा है ना, 1:24,000, अब देखिए इसमें क्या है, इंडिया में कोई बंदा है, ठीक है, वो इसको रीड कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे समझेगा कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑन मैप रिप्रेजेंट 24,000 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ ग्राउंड। सिंपल सी बात है, मैप पर यदि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखा है तो वो 24,000 सेंटीमीटर जो एरिया ग्राउंड का उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ गया। और यदि यही कोई दूसरा बंदा जो यूएसए का है,
अमेरिका का है, वो इसको रीड करा तो वो क्या देखेगा, क्योंकि वहाँ पर मेट्रिक सिस्टम नहीं है तो वहाँ पर क्या है, इंग्लिश सिस्टम है। तो इस प्रकार देखेगा, वो ये समझेगा वन इंच ऑन मैप और पेपर इक्वल 24,000 इंचेज ऑन ग्राउंड। वो ये समझेगा कि एटलस पर 1 सेंटीमीटर या मैप पर 1 इंच, सॉरी सेंटीमीटर इंच, 1 इंच की जो डिस्टेंस है वो ग्राउंड की 24,000 इंच जमीन है उसके वो इक्विवेलेंट है। समझ गए, आप इसको सेंटीमीटर समझे या इंच समझे, दोनों में इक्वल है। तो क्योंकि प्रोपोर्शन है तो जो फर्स्ट यूनिट समझ रहे हैं ना वही उसका सेकंड यूनिट समझ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, केवल आरएफ दिया होता है, तो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन। सिंपल सा है बस। तो 3 मेथड्स हैं इसके, एक स्टेटमेंट ऑफ स्केल है, दूसरा ग्राफिकल या बार स्केल है, तीसरा इसके अंदर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन है। ओके, अब देखें आगे।